मेरा नाम सुभाषीष दत्ता है। आई स्टार्ट प्लेइंग इन स्कूल डेज, फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी खेला, फिर उसके बाद मैं दिल्ली स्टेट जूनियर खेला, उसी साल 76 या 77 की बात है। फिर उसके बाद मैं दिल्ली स्टेट खेला, फिर आस्ते आस्ते मेरे फुटबॉल की और इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर उसके बाद 80 में मेरे को कटक में संतोष ट्रॉफी था, वहाँ पे हमारी दिल्ली टीम जा रही थी घूमने के लिए ऊटी, तो वहाँ बस गिर गया था नीचे, जिसके वजह से क्या है मेरे को थोड़ा रनिंग वनिंग कर सकते हैं, सारा डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं सब कुछ, मगर क्या डॉक्टर ने बोला ज़्यादा एक्सर्शन मत करना। रेफरीशिप में जैसे गेम थोड़ा कम हो गया, रेफरीशिप के बाद फिर मैंने देखा मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो मैं कंटिन्यू तभी कर सकता हूँ जब मेरे को मैं कोचिंग में आ जाऊँगा, तब मैंने एकेडमी शुरू की और हमने शुरू किया था दो या तीन बच्चे थे। सायन राजपूत, फुटबॉल इज़ माई पैशन। मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ गेम होता है, उससे हमारा स्टैमिना बढ़ता है। माय नेम इज़ दिवाकर शुक्ला एंड आई लव फुटबॉल बिकॉज इट इज़ माय पैशन। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है। माय नेम इज़ विज्ञान शर्मा। आई लव फुटबॉल बिकॉज दिस इज़। आपको फुटबॉल क्यों पसंद है? I like football because I played this game when I was just 5 years old. मैं तेजेंद्र सिंह NTC से रिटायर हूँ। दत्ता साहब ने अकेडमी खोली, मैंने कहा मैं भी यहीं कॉर्डिनेशन काम करूँगा, और मैंने यहाँ काम किया और दिल से। उसके बाद दो बच्चे स्टार्ट हुए थे आने में, उसके बाद धीरे धीरे सबको पता लगा, हमने इश्तहार लगवाए सब जगह, दीवारों पर सब जगह, बच्चों ने काफ़ी आनंद लिया, स्कूलों में भी हमने पोस्टर लगाए, वो लोग बच्चे आने शुरू हुए। तो हमारा ये फुटबॉल को सुबह उठते ही फुटबॉल जैसे होता है ना, कि फुटबॉल को लिए सोचना शुरू कर देंगे, खाना खाने जाएंगे तब भी फुटबॉल, और रात को अगर 3 बजे भी मैच चल रहा है तो फुटबॉल, नोट आउट, जहाँ फुटबॉल हो रहा है तो ये है। तो मेरे साथ ये है, तो मेरे को तो एक ये है कि मेरा दो हाथ की जगह जो है 4 हाथ बनने का। सर जो कह रहे हैं ठीक है, मुझे फुटबॉल का ऐसा नशा है, तो लोग तो बहुत से ड्रिंक करते हैं, पर मेरी ड्रिंक यही है, जहाँ कहीं मैच है मुझे पहुँचना पड़ता है, खुद ही पहुँचा तो कई बार मिसेज को झूठ भी बोलना पड़ता है कि आज मैं वहाँ मेरा फंक्शन है, तो बाद लोगों को पता भी लग जाता है कि ऐसे आपका मैच में फोटो आई है, दिल्ली गेट वैसे मैच था, तो मैं वहाँ कॉफ़ी वगैरह पी रहा था, वहाँ देख लिया, कहते आप तो कहीं और जा रहे थे, मैं वहाँ पहुँची बस। मैंने अपने रिश्तेदारों को भी बोला हुआ 3 दिन बताना मेरे घर, सोम बुध शुक्र शाम को 4 से 6, उसके बाद चला जाओ मिल लूँगा। मैरिज हुई थी, मेरी सासू जी कहने लगे कि आपके पैर थोड़े टेढ़े हैं, मैं कहीं वैसे टेढ़े नहीं है, ये खेल करके टेढ़े हुए गोल करते करते। सप्तंग क्लेम और एक क्लब था सप्तंग हीरोज, शाम को खेलते थे जब भी हमें टाइम मिलता था, एक तो 90 मिनट की गेम है और काफ़ी जोश आता है बॉडी में, हर टाइम हर के पास बॉल आती है, और सबसे सस्ती गेम ये है, उस टाइम जब हम खेलते थे 22-23 रुपये फ्लोर आता था, आज 350 फ्लोर आता है। फिर धीरे धीरे हमारा फुटबॉल में ज़्यादा, जब बंगाली लोग बहुत जुड़े हैं तो मेरा बंगाली से बहुत प्यार है, तो उनको भी हमारे साथ नशा था, जब कहीं मैच होता था मुझे बुला देते थे, मैं वहाँ पहुँचता था जैसे ही अपना एड्रेस लिया और वहाँ पहुँच गए, तो कई बार शर्त लगती थी चाय पानी की भी, आज कौन पार्टी करेगा जो जीते वो करेगा, तो हम दोनों में हैटेल होती थी, जिसकी टेल हार जाता था वो कपड़े उतार देता था ताकि एक दूसरे को पहचान जाए, उसमें हमारे पास पहनने के लिए कपड़े होते नहीं थे, तो यही निशानी रखी थी हमने, तो हमने जब भी गोल किया, मैं कई बार हारा भी कई बार जीता, तो मैं कई बार कहता कहते तुम हार गए, मैंने कहा मुझे हारने भी जब वही खुशी है और जीतने भी वही खुशी है। नाम नरेश सिंह बिस्ट है और मैं नेताजी फुटबॉल अकेडमी में लास्ट 3 ईयर से हूँ, एज ए कोच यहाँ वर्क कर रहा हूँ। बेसिकली हर बच्चे में यही देखा जाता है कि बॉल उसने पास नहीं करनी है, उसको यही लगता है कि मैं ही गोल करूँगा और मैं ही इस टारगेट को अचीव करूँगा, बट फुटबॉल में ऐसा नहीं है, जब तक आप सोलो गेम खेलोगे फुटबॉल में कभी फुटबॉल आगे नहीं जा सकता है, फुटबॉल एक टीम वर्क है, टीम वर्क का मीन्स है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर ही गेम को आगे ले जा सकते हैं। फेलोशिप और फाइटिंग स्पिरिट, ये दोनों डेवलप करती है फुटबॉल। आप एक साथ खेल रहे हैं, आप एक साथ बाहर बैठ रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ पानी पी रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कभी कभी ग्राउंड में पड़ता ही पड़ता है। फुटबॉल देखिए एक ऑलराउंड गेम है, आप कोई बच्चा आता है उसको शरीर के सर से लेके पैर तक उसका पूरा ऑलराउंड एक्सरसाइज होता है, पूरा एक फुटबॉलर हर एक गेम खेल सकता है। फुटबॉल का बेसिक ही है, राइट टाइम यू हैव टू रिसीव द बॉल, राइट टाइम यू हैव टू रिलीज द बॉल। मेरा मोटिव यही है कि जब से मैं इस पार्ट से जुड़ा हूँ बच्चों के साथ, मुझे जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आता और आत्मसंतुष्टि कभी नहीं मिलती जब तक मैं बच्चों के अंदर ये नहीं देख लेता कि मेरा कुछ सिखाया हुआ पार्ट उनको समझ में आता है।
एक बच्चा अगर अच्छा खेलता है तो बोलेंगे कि नहीं मैंने कुछ सिखाया और कुछ किया है फुटबॉल के लिए। We'll be right back.